मंदरिया डैम जा रहे हैं और सब अपने अपने फोन में बिजी हैं। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मंदरिया डैम। तो इधर से तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे और मैं आप सबको दिखाऊंगा मंदरिया डैम का नज़ारा। गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदरिया डैम और ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब फर्स्ट टाइम मंदरिया डैम आया हूं और इतना बड़ा डैम देख के खुश लग गया, मतलब मेरा दिल जो है भर आया। और मैं आप सबको दिखाऊंगा यहां का थोड़ा नज़ारा कैसा दिख रहा है। ओ भाई, यहाँ का कैनल देखो कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से। तो हम लोग मंदरिया डैम के सेकंड गेट पे गए थे और वहाँ से अभी हम लोग वापस आ रहे हैं। तो अभी हम लोग मेन गेट में आप सबको थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है और भी खूबसूरत है। तो आप लोग देखिए और मज़ा लीजिए, क्योंकि इस डैम जो है ना बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, पानी से बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है और मतलब ऐसा लग रहा है कि समुंदर जैसा, मतलब छोटा समुंदर आप लोग समझ सकते हैं। गाइस, सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गेट के नीचे का सीन और इधर देख सकते हैं डैम, मतलब ऐसा लग रहा है कि छोटा समुंदर। मैं आप सबको दिखाऊंगा इधर से नीचे से। गाइस, अब देख सकते हैं इसका नज़ारा, मतलब गेट से नीचे मतलब कैनल से पानी उतर रहा है और बहुत
सो हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं फर्स्ट गेट पे मंधरिया डैम का। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहां का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। तो देखो, मतलब एक छोटा सा समुंदर जैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं इसका गेट बहुत ही लंबा है, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है कितना मीटर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 500 मीटर तक हो सकता है इसका लंबाई जो। सो गाइस, ये है मतलब डैम का पीछे तरफ का जो कैनल गेट के नीचे से पानी जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे। तो गाइस, कुछ इस तरह से मुझे डर लग रहा है यार। तो इस तरह से पानी जा रहा है कुछ। तो यहाँ पर एक बार घूमने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है। सो फ्रेंड्स, यार मोस्ट वेलकम, कभी भी आप आ सकते हैं और यहाँ का जो नज़ारा है इसका आनंद ले सकते हैं। मतलब दो गेट है, मतलब दो जगह में बंधा हुआ है। एक ये जो है मेन गेट है, इस मैं पहले बताया, जैसे ये थोड़ा लंबा है, उसके बाद में और एक गेट है इसके पीछे जो हम लोग पहले गए थे, वहाँ से अभी रिटर्न हो रहे हैं। तो आज हम लोग का ओकेज़न था, हम लोग का भाई का बर्थडे था, और हम लोग को ये लेके आए और बहुत ही मज़ा आ गया। साइड भी हो गया और थोड़ा थोड़ा साइड भी हो गया, अब जानते हैं ना मामला कुछ गड़बड़ है। तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन पहले हम लोग अच्छा बना चुके हैं और थोड़ा देर बस करना पड़ेगा। ज़रूर आइए, घूम के जाइए, मंदिर अपन बहुत ही अच्छा है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, मैं और एक बार चाहता हूँ कि आप लोग को यहाँ का जो ब्यूटी है उसको दिखा दूँ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, और इसी तरह के नया नया वीडियो देखने के लिए अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके कमेंट से मेरे को और भी इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छी चीज़ करने के लिए। तो गाइस ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आगे की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग मंधरिया डैम से अभी वापस हम लोग का घर जा रहे हैं सुंदरगढ़। तो यहाँ घूमने के लिए बहुत ही मज़ा आया और सबको एंजॉय किए, बहुत सारे फ़ोटो हुए, केक काटना था लेकिन बच गया है, उसको सुंदरगढ़ में फिर से फोड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग का चैनल में बने रहिए और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को देखते रहिए।